पटना के ज्ञान भवन में लॉ कॉन्क्लेव में शामिल होने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जरूर जेल जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को मैं इतना गाली देता हूं, लेकिन कोई मुझे जेल नहीं भिजवाता, जबकि मैंने सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में जेल भिजवा दिया है। आज दोनों माँ बेटे बेल पर हैं। पहले तो उन्होंने मुझे कोई मटेरियल तो भेजा नहीं, तो मैं नहीं कह सकता हूँ इसमें क्या है नहीं है, परंतु उनको बहुत सालों से जानता हूँ, 77 से जानता हूँ, और वो राजनीति में उनका एक स्तर है, और वो साधारण असत्य नहीं बोलते। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है तो फिर उनसे सरकार पूछनी चाहिए, नहीं धमका के नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनका स्थान बहुत, यानी वो गवर्नर भी थे, एमपी भी थे, मिनिस्टर भी थे, तो इसीलिए उनकी जो मर्यादा जो देनी है उसको देकर उनसे पूछना चाहिए कि ये जो हुआ इसमें कोई आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जिस पर आधारित हम कार्रवाई कर सकते हैं, ये करना चाहिए। उसको गाली देना, उसको धमकाना, उसके ऊपर उसके घर में रेड करना, ये सारी चीज़ों का हम कहानी नहीं सुनने चाहते हैं, और हम जानने चाहते हैं कि भाई इसमें तथ्य क्या, क्योंकि पुलवामा बहुत दुखद घटना थी, और ये कि हमारी गलती के कारण हुआ है तो फिर इस पर कार्रवाई तो निश्चित होनी चाहिए। तो इसीलिए जो उन्होंने कहा है और अन्य बातों भी कहा है, इस पर जांच की आवश्यकता है। नहीं, नफरत के कारण ने उस कारण से लड़ा ऐसा कहा था मैंने, या एनीवे वो उन्होंने भ्रष्टाचार की तो मैं वैसे भी करने वाला था, हमसे मीठी बात भी करते तो मैं कर देता, मैं तो इसमें, परंतु हिंदू टेरर जो उन्होंने चलाई, माने हिंदू की आतंकवाद, और राहुल गांधी विकी लीग्स के अनुसार अमेरिकन एम्बेसडर का एम्बेसी जा कर के वहाँ एक ऑफिसर को कहा कि हम लोगों ने तय कर लिया कि लश्कर ए तैयबा उतना भयंकर नहीं है जितना हिंदू टेरर है, तो ये तो नहीं, बहुत अपमानजनक बात है कि लश्कर ए तैयबा जो देशद्रोही है, हमारे देश के नहीं है, और हमारे देश में ट्रेनों को गिराया है, लोगों को मारा है, और उसको हिंदू टेरर जिसका कोई ना कुछ कुछ दस्तावेज है कुछ है, हिंदू टेरर करना इतना आसान हो गया उनके लिए, वो दुख पहुँचाया था। सर, अतीक अहमद की हत्या को कैसे देखते हैं, और पटना में जामा मस्जिद के बाहर जो है उनके पक्ष में नारे लगे हैं? देखिए, इस लोकतंत्र में लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन वो क्या थे सबको पता है, और ये कैसा हुआ उस पर जांच हो रही है, कोर्ट में जाएगी, तो मैं तो वहाँ था नहीं और मुझे इसकी भूमिका भी नहीं पता है, तो इसीलिए जब तक कोर्ट के ज़रिए कुछ आएगा नहीं, मैं इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि ना मैं उसके पक्ष में हो सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कानून का उल्लंघन किया और घोर तरीके से, उसको कोई माफ़ नहीं कर सकता। फिर भी उनका जान लेने के किसी को अधिकार नहीं है, उसको सजा देनी है तो कोर्ट में जाकर उनको सजा मिलनी चाहिए थी जिसके लिए वो ले जाया जा रहा था, तो कहीं से दो लोग आए और उनको पीठ में पीछे से उन्होंने उनको मार दिए, तो बड़ा दुर्भाग्य है कि ये ऐसे घटनाएं हो सकती हैं, उनको ऐसे पैदल ले जाना क्या ज़रूरत थी, ये सारी चीज़ों पर जांच करने की आवश्यकता।